वो आके सीधा साढ़े कमरे च गया तो अलमारी तोड़ के उहदे विच्चों 26-27 हज़ार रुपया तकरीबन लै गया जी। एंटर हो के उन्हें शायद कोई जहरीली चीज़ या इस तरह की चीज़ संघाई है जिदे करके सानू भी जाग नहीं आई, ना ही साडा कुत्ता भौंकया जी उस रात। तो साढ़े घरों लगभग 1,00,000 रुपए के नेड़ तेड़ का वो समान चोरी करके लै गया जी। ये मेरे वड्डे भरा दे मतलब करो भी चोरी हुई है 60-70 हज़ार रुपया। हुण तक असीं जिन्ने भी चोरां दे मामले देखे ने अक्सर एक दो चोरियां तो बाद किसी ना किसी तरीके नाल पंजाब पुलिस चोर नूं नप ही लैंदी है, पर फरीदकोट दे इस चोर ने पूरी कलोनी च दहशत दा माहौल बनाया होया है। तां दस दिए कि मुहल्ले वालियां दा कहना है कि हर 2-3 दिनों बाद इस चोर ने किसी ना किसी घर हाथ जरूर साफ करना होंदा है, जिस दीआं कई सारियां सीसीटीवी वीडियो भी सामने आईआं ने। आओ पहलां तुहानूं ओह सीसीटीवी वीडियो दिखा दिंदे आं। इस बारे जदों महल्ले दे लोकां नाल गल कीती गई तां हर किसी ने अपने अपने घर होई चोरी दी घटना बारे आखिर की कहा, तुसी आप ही सुन लवो। इहना जी परसों रात दी गल आ, शुक्रवार रात दी जी 2:15 दा टाइम सीगा जी। एक चोर आया ते साडे इधर मगरली गली ते कोठों दी टप गए ते साडे कोठे वेच दी घरे आया जी। वो आके सीधा साडे कमरे च गया ते अलमारी तोड़ के उहदे विच्चों 26-27 हज़ार रुपया तकरीबन लै गया जी। तो बाद चो साढ़े 2-3 घर छड़ के जी दूजे घर भी चोरी हुई है, उन्होंने भी सेम ऐ कोठे से समान लै गया जी, 60-70 हज़ार रुपया उन्होंने भी लै गया जी। उस तो बाद कोई सूचना मिली हो? कोई सूचना नहीं उदू बाद जी। पूरी कलोनी? हाँ वो पूरी कलोनी तो पहला होया सीगा जी। उन्होंने दस्या भी रात को असी 12 बजे उत्थों बंदा भेजिया भजया भजाया तो इतने फिर उन्हें इधर आके वारदात की जी। हाँ जी, उस पहला नारायण नगर तो आया जी, वह नारायण नगर तो होके इधरों फिर भान सिंह कलोनी च एंट्री की उन्हें। हाँ जी मिली है जी, एक हाथ च दातर है जी, एक हाथ चे किच है जी। सो सानू वो तो बड़ा खतरा सीगा जी, बहुत साडा बचा रह गया। पुलिस वगैरह इतलाह दी है जी, कल सुबह दे आए थे जी, उदू बाद कोई उन्होंने दस्या नहीं। असी केरां गए सीगे, सानू कहिंदे सीगे फलाना लगदा सी लिआउने चक के, उदू बाद ना सानू कहिंदे फोन कीता उन्होंने, कहिंदे घंटे बाद तुहानू बुलाउणे आ जी, उदू बाद सानू कुछ नहीं उन्होंने दस्सिया। मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी, मैं पूरी कलोनी गली नंबर 6 दे विच रहिंदा जी। 19 मई की गल है जी, 19 मई मतलब 18 मई रात को साढ़े घर जदों असीं रोटी खा के सौं गए सीगे जी, रात को लगभग 2 वजे के करीब असीं सीसीटीवी कैमर की फुटेज देखा जी, एक 23-24 साल का नौजवान मुंडा जी, वो साढ़े घर एंटर होया जी। एंटर हो के उन्हें शायद कोई जहरीली चीज़ या इस तरह की चीज़ संघाई है जिदे करके सानू भी जाग नहीं आई, ना ही साडा कुत्ता भौंकया जी उस रात। तो साढ़े घरों लगभग 1,00,000 रुपए के नेड़ तेड़ का वो समान चोरी करके लै गया जी। असी फुटेज वेख्या भी वो हथ विच कापा सी, हथियार लैके वह गली दे विच घूमदा रहा। उस रात को साढ़े तो पहला एक घर होर चोरी की है जी, उन्हें उन्हों का भी काफ़ी लगभग 60-70 हज़ार रुपए का उन्हों का नुकसान कर गया जी। ये 19 मई तो बाद असी लगातार ही वेखते हैं जी, ये हर रोज़ जा एक दो दिन छड़ के साढ़े एरिए चोरियां कर रहा है, जिदे करके पूरा दहशत का माहौल बनया होया जी। असी सारी रात लगभग गलियां दे विच कोई आवाज़ आते इस तरह करके उठ खड़ते हैं, बच्चे भी साढ़े दहशत के माहौल दे विच जो रहे हैं जी। इत्थे मतलब इस संबंध दे विच असी कई बारी पुलिस नूं मिल चुके हैं जी, कंप्लेंट कर चुके हैं, लिखती भी दे चुके हैं जी, पर अजे तिकर वो व्यक्ति मतलब अजे तक गिरफ़्तार नहीं होया गा। हालांकि जिहड़ा मेरा फोन चक्या सी उन्हां ने वो फोन भी एक ट्रेस हो चुकिया जी, ट्रेस होकर फोन फड़ लिया गया। जिहड़ी लेडी कोलों फोन फड़िया गया, कुछ होर समान भी सी साढ़े घर का सी जिहड़ा उहदे कोल फड़िया गया, वो समान फड़न के बावजूद भी उस लेडी ते कोई कार्रवाई नहीं हुई गई, उन्हूं छड्ड दिता गया। कारण की इहदे पिछे सानू पता नहीं लग्या, पर असीं वार वार जाके थाने दे विच कंप्लेंट कर रहे हैं, पर अजे तिकर वो होर सुन रहे हैं जी। पिछले दिनों उन्हें कलोनी भाण सिंह दे विच भी इसे तरह ही चोरी की है, तो हथियार लैके गली च शरेआम घूम रहा सीगा जी। तो सो साडी बेनती है जी प्रशासन नूं भी इन्हां नूं जल्दी तो जल्दी फड़िया जाए, नहीं तो यह कोई सही वारदात नूं अंजाम जरूर देणगे।
ਅਜਮੇਰ ਕਾਲਜ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਚ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਸਗਾਮੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਔਰ MLA ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੈਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੁੱਲੇ ਕਰੋ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਏ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਜੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰੇ ਕਰਿਆ ਆਪਣੇ ਕਿਰਚ ਕੱਢ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਰੱਖ ਗਏ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਹੜੀ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਘਰੇ ਆਏ ਵੈਰੀ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ 3:30 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੰਗਲਾ TV